वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या पर राजधानी की राजनीति गर्म है। मौत की राजनीति कर कांग्रेस और आप पूर्व सैनिक की आत्महत्या पर केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस और आप को जवाब देने के लिए पूर्व आर्मी चीफ और केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने मोर्चा संभाला है। वीके सिंह ने कांग्रेस और आप पर कड़ा हमला बोला है। वीके सिंह ने कांग्रेस और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए दोनों राजनीतिक दल लाशों की सियासत कर रहे हैं। वीके सिंह ने विपक्षी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि क्या ये नेता बॉर्डर पर जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने उनके घर गए हैं। पास पॉलिटिक्स करने के लिए और कुछ नहीं है तो सिर्फ लाशों की पॉलिटिक्स करते हैं। उनसे जाकर पूछिए क्या उन्होंने और किसी सिपाही के फ्यूनरल को अटेंड किया है। इतने हमारे सिपाही मरकर आए, क्या आम आदमी पार्टी के ये नेता और कांग्रेस के ये नेता किसी के शव के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं? तो ये फालतू की बातें करते हैं। गौरतलब है कि वन रैंक वन पेंशन यानी OROP में कथित गड़बड़ियों को लेकर पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली थी। राहुल और केजरीवाल पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने उनके घर भिवानी गए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।